35 स्थित रास रेजिडेंसी में इसे हम आपको लेकर पहुंचे हैं। टॉवर नंबर 4 के D1 फ्लैट के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर एक लेंटर का जो प्लास्टर होता है वो गिर चुका है। बच्चे जो है उस कमरे में खेल रहे थे और एक बच्चे को हालांकि उसमें चोटें भी आई है। हमारी आप लोगों से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी आसपास के जो आगे फ्लैट्स है वहां पर भी ऐसा पहले हो चुका है। लोगों का यही कहना है कि हालांकि काम जरूर करवाया जाता है, जब कंप्लेन दी जाती है उसके बाद काम जरूर होता है, लेकिन शायद रॉ मटेरियल इस तरीके का यूज किया गया या शायद ठेकेदारों ने जल्दबाजी के चलते जो है इतनी फटाफट से काम किया कि वो ढंग से नहीं किया गया, जिसके चलते दूसरी से तीसरी बार ये घटना जो है सामने आ रही है। तो हमारी आप लोगों से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से उस रूम का हाल जहां पर कल रात को करीब 12:15 बजे के करीब ये लेंटर का प्लास्टर जो है वो गिरा और वहां पर दो बच्चे जो है खेल रहे थे, हालांकि उसमें से एक को चोटें भी आई हैं। अब आपके आगे मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी उस कमरे की, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रास रेजिडेंसी में एक बार लाइव तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से बीती रात यहाँ की जो छत है उसका लेंटर गिरकर पूरे रूम में जो है किस तरीके से पूरे पत्थर पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक हादसा अपने आप में ये है। बच्चे इस रूम में खेल रहे थे, जैसा कि घर वालों ने बताया कि बच्चे जो है इस रूम में रात को 12 बजे की ये बात है खेल रहे थे। गनीमत है कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई है, हालांकि एक बच्चे के सिर पे चोट लगी है। बच्चे अभी तक जो है काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी जो है बात यह है बिल्डर्स की कहीं ना कहीं इसमें गलती जरूर है। इनका बताना है कि काफी बार ये कंप्लेंट भी कर चुके हैं, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 2 साल पुराने फ्लैट्स ये हैं। 1 साल पहले इन लोगों ने यहां पर शिफ्ट किया था, 1 साल पहले ही जो है ये फ्लैट खरीदा गया था, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि छत जो है अपने आप से गिरकर नीचे आ जाती है। तो हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है पूरे जो लेंटर है वो गिरकर नीचे आ जाता है। गनीमत है कि किसी को बहुत ज्यादा चोटें नहीं लगी है, हालांकि एक छोटा बच्चा जो है चोटिल हुआ था, उसको रात को ही जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, सिर पर उसके चोटें आई हैं। अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मामला जो है बिल्डर्स की कहीं ना कहीं इसमें जो है रॉ मटेरियल जो उन्होंने यूज किया है उसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो है देखने को मिला है। जो इस घर के जो मेंबर्स है उनमें उनके जो पड़ोसी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी किस तरीके से ये हुआ? हम एक्चुअली सैर कर रहे थे रात को, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि लेंटर गिर गया। हमने सोचा कि शायद उन्होंने ऊपर POP या PVC करा रखी थी, वो गिर गई। जब घर पे आके देखा तो लेंटर और घर में कोई मेंबर नहीं। आंटी का पैर टूटा हुआ था, सिर्फ आंटी घर पे थे, बाकी सब हॉस्पिटल में। बच्चा 24 घंटे हॉस्पिटल में रखा गया, अब बच्चे को घर लेके आए हैं। और बिल्कुल लापरवाही है, कुछ नहीं करते यहाँ के लोग। हम 1500 रुपये पे करते हैं हर महीने, हमारी गाड़ियों के नुकसान होते हैं। मेरा अब तक 62,000 रुपये का बिल है जनवरी से लेके अब तक। और यहाँ के कुछ ऑफिस में ऐसे अधिकारी हैं हमसे इतना मिसबिहेव करते हैं और हमें इतना अनकंफर्टेबल महसूस करा देते हैं कि हम उनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। और भी फ्लैट्स में ऐसा कुछ नहीं, बहुत सब फ्लैट्स में आप बाहर जाके देखो, हम बोलते सीलन है, सब फ्लैट्स में ऐसा है। और अब हम इनको कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं खुद कराओ, फिर 1500 रुपये किस चीज के ले रहे हैं हमसे ये। तो मैम आपने कंप्लेंट की है इसके अगेंस्ट? हाँ की है, कहा है कि भाई मटेरियल उन्होंने अच्छा क्यों नहीं लगवाया। अब तो देखो ना बारिश का सीजन है, ना कोई आंधी तूफान चल रहे, उसके बावजूद ये हाल है। अगर बारिश ही होती है, हल्का फुल्का भूकंप आ जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचना। तो उनको चाहिए ना कि अच्छा मटेरियल। तो जैसा कि मैम ने बताया कि बीती रात एक बुजुर्ग औरत जो थी सिर्फ घर पे थी और उनके छोटे बच्चे थे, जिस तरीके से ये लेंटर गिरा तो इन्हें लगा कि शायद POP गिरी होगी, लेकिन असलियत में जब उन्होंने आकर देखा तो लेंटर जो है पूरे रूम में बिखरा हुआ पड़ा था। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जरूर है उन बिल्डर्स के लिए जिन्होंने ये फ्लैट बनाए हैं कि आखिरकार 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो लेंटर है पूरा का पूरा वो ही गिर कर आ गया। सिर्फ यही फ्लैट नहीं, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स है
अगेंस्ट सोसाइटी में, रास रेजिडेंसी में, जिसमें ये जो मामला है देखने को मिला है, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी की गई है बार बार, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया गया है। तो हमारी अब सभी से अपील है इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी तो ये जो छोटा सा हादसा हुआ है, जो टल गया, एक बड़े हादसों बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, वहीं बच्चे जो है अभी तक सहमे हुए नजर आ रहे हैं, पंखे के नीचे बैठने तक से डरे हुए हैं। जिस तरीके से एक बार लाइव तस्वीरों में दिखाना भी चाहूंगी कि इस तरीके से पंखे का एक विंग भी मुड़ चुका है, छोटे बच्चे जो घर में देर रात या खेल रहे थे, भगवान का शुक्र है कि कहीं ना कहीं वो सलामत जरूर है, हालांकि चोटें उन्हें भी जरूर आई है। तो हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया, जो भी उसकी क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं खराब होने की वजह से ये जो हादसा हुआ है ये आगे देखने को ना मिले, और जो भी नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मटीरियल यूज जरूर किया जाए। नीरा माडा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। के सेक्टर 35 स्थित रास रेसिडेंसी में हम आपको बता दें टावर नंबर 4 के D1 फ्लैट में से मैं मौजूद है। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, छत के लेंटर का जो प्लास्टर होता है वो यहाँ पर नीचे गिर चुका है, और हालांकि जब हम लोग यहाँ पर पहले पहुंचे हमें भी यही लगा था कि शायद ये POP होगी, लेकिन मैं एक बार आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना भी चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि ये POP नहीं है, ये पूरा प्लास्टर है लेंटर का जो कि नीचे गिर चुका है। और हम आपको बता दें कल रात 12:15 के करीब की ये घटना है, जहां दो बच्चे इस कमरे में बैठकर खेल रहे थे और उस 12:15 के करीब ये लेंटर का प्लास्टर नीचे गिरा, और हालांकि उसमें से एक बच्चे को चोटें भी आई, उसे उसी समय अस्पताल लेकर जाया गया। और जैसा कि घर वालों को बताना था कि काफी ज्यादा खून भी जरूर बहा था बच्चे का, लेकिन हालांकि गनीमत ये रही कि ज्यादा चोटें किसी को नहीं आई है। तो हमारी आप लोगों से अपील रही है, पहली बात तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरे कमरे में जो है ये प्लास्टर फैला हुआ है, अपने आप में काफी भारी है ये, और जिस तरीके से छोटे बच्चे को चोटें आई, हालांकि काफी ज्यादा खून भी उसका बाद, इसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उसका इलाज करवाया गया, डॉक्टर ने सिटी स्कैन तक का भी बोला। अपने आप में इस तरीके से न जाने ऐसा क्या कुछ मटेरियल यूज किया गया था कि इस तरीके से लेंटर का प्लास्टर जो है वो नीचे गिर गया। और हालांकि पहली घटना नहीं है ये, इससे पहले भी काफी बार जो है इसी एरिया में, इसी सोसाइटी में पहले भी साथ वाले घर में जो है छत का लेंटर जो है गिर चुका है, और लोगों का यही कहना है कि पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। और इसी घर की अगर हम बात करें तो साथ वाले कमरों में भी दरारें जो है सीलिंग पर दरारें हैं, चलते हालांकि घर वाले भी जरूर सहमे हुए हैं, क्योंकि डर यही है कि कभी भी कोई भी ऐसी घटना दोबारा घटित हो सकती है। मैं एक बार आपको दूसरे रूम की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी जिनकी सीलिंग में जो है क्रैक है। आप लोगों से अपील भी मैं यही करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, डीलर्स जो हैं, उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी मटीरियल यूज किया जाता है तो जल्दी के चलते इतना सस्ता मटीरियल या इतनी जल्दी में नहीं काम करवाना चाहिए, क्योंकि जो लोग उसमें रहने वाले होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और हमको बता दें कि 2 साल पहले ही ये घर बने थे, और बल्कि अगर इसी घर की बात करें तो 1 साल पहले जो लोग यहां पर रहते हैं वो 1 साल पहले ही यहां पर आए, और इस तरीके से जो छत का लेंटर का प्लास्टर गिरा अपने आप में बच्चों को भी चोटें आई। कुछ लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद भी है, एक बारी मैं उनसे भी जानना चाहूंगी सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप में एक डर का माहौल जरूर होगा कि इस तरीके से अगर कुछ छत से लेंटर गिर जाता है तो बच्चे भी सहमे हुए हैं, घर के लोग भी सहमे हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो ये तो डेफिनेटली है कि कंपनी की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ ना कुछ घटिया मटेरियल कुछ यूज़ किया गया है, जिसके वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब इतने लोग रह रहे हैं यहाँ पे, भविष्य में उनकी जान को भी खतरा है, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए थी। मतलब अगर आप एक सोसाइटी में आए हो तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफ़ हो, आप यहाँ पर अपने घर में भी सेफ़ नहीं हो। यहाँ पर लेंटर गिर रहा है, पहले तो बाहर तो लोगों से डर होता था, अब तो यहाँ पे अपने छत से भी डर है कि लेंटर कभी भी गिर सकता है। मतलब घर पे आदमी सो भी नहीं सकता आराम से, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को और कॉन्ट्रैक्टर को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर हमारे साथ घर के भी कुछ सदस्य मौजूद हैं, एक बारी मैं उनसे जानना चाहूंगी। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से? आप ये कहना चाहूंगी कि अगर टाइम रहते ये कंप्लेंट ले लेते तो आज इतना बड़ा हादसा होने से रुक जाता। मैम घर पर बच्चे खेल रहे थे, हम लोग बाहर ही थे, अभी डिनर कर रहे थे, बाहर से आए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे बच्चे, तो हम अभी सोने जा रहे थे तो इतनी देर में धमाका हुआ। बच्चे थे दो, बड़ा बच्चा तो पीछे हट गया, छोटे के चोट आई है, वो अब तक भी सहमा हुआ है। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। मटेरियल कमरों में दरारें देखी जा रही है, एक में और देखा दूसरे बेडरूम में भी है, और किसी के घर में भी ऐसा कुछ, उसके वो लोग डरे हुए हैं और भी उनके घर में भी है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है किसी आस पड़ोस के? पास वाले घर में हुआ है पिछले साल, बिल्कुल ऐसा ही गिरा उनका भी, तब इन्होंने अलर्ट नहीं हुए, तब भी भाई यही है कि अलर्ट रहे। अब इनकी जो भी कंप्लेंट है उनकी जल्द से जल्द वो ठीक करे, जिनके साथ भी ऐसा हो। क्रैक तो कहीं मकानों में है, कहीं फ्लैट में है, लेकिन अब इनको अलर्ट होना चाहिए कि जल्दी कंप्लेंट उनकी। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ कुछ घर के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चे भी जो हैं वो सहमे हुए जरूर हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर लेंटर का जो प्लास्टर है उसका गिरना, बच्चे भी डरे हुए हैं, और कुछ बल्कि छोटे बच्चे की अगर बात करें तो वो कमरे से फैन के नीचे जाने से भी घबरा रहा है। तो हमारी आप लोगों से अपील है खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि हो सकता है कि इसमें ठेकेदारों की भी गलती जरूर निकाली जाए कि वे लोग भी जल्दी के चलते काम खत्म करने के चलते जो है फटाफट से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी शायद रहती है कि वो लोग भी ठेकेदार के साथ खड़े होकर देखें जरूर कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उस घर में रहने वाले हैं शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। हालांकि गनीमत यही रही कि ये जो घटना थी छोटे में ही टल गई। तो हमारी आप लोगों से अपील यही है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसके खिलाफ जो भी रास रेजिडेंसी के अधिकारी हैं जल्द से जल्द एक एक्शन जरूर ले, और इसके खिलाफ जितने भी घरों में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन जरूर निकाला जाए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। खराब है और आए दिन दीवारों में पूरे में मतलब कि क्रैकिंग सब जगह है, और मेरे मकान में तो हर कमरे में है, और दो दो बार हो भी चुका है काम। तो मैम आपने कंप्लेंट नहीं करी है? दो तीन बार करी है, करवाते भी हैं ये काम, लेकिन मटेरियल इतना घटिया है वो दो दिन बाद फिर उधर जाता है। काम करवाने के बाद दोबारा से ऐसे हुआ? तीसरी बार, और अब भी फोटो है मेरे पास। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मैम आप इनके अधिकारियों से? और बस यही चाहेंगे जो इसमें कमी है, हमने पैसे दे रखे हैं, कोई फ्री में तो लेने रखा, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करो। मिला जिनके बच्चे के साथ हादसा, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, और इस समस्या का हल किया जाए बिना किसी जोर जबरदस्ती के आराम से, क्योंकि पैसे उन्होंने बड़े आराम से चेक के द्वारा ले रखे, ऐसा भी नहीं है कहीं से ऐसे फ्री में पैसे आ गए बस।